ये जो कहानी लिखी हुई है कैसे टेन इनवर्स वाई बाय एक्स का, देखिए तो ये इतनी अच्छी वाली चीज है, तभी तो अपन इसको करते हैं। दिख एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन, है ना। तो इस चीज को जब आप एक्स बाय वाई से मल्टीप्लाई करो तो कैंसिल होकर डिनोमिनेटर में एक्स वाई नहीं आ जाएगा। ये जो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है ना यार, ये तो मुझे लगता है आपको बताना ही चाहिए कि ये डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, और टू से डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सहमत नहीं हो इस बात से आप? आपको सहमत होना ही चाहिए। और ये जो कहानी लिखी हुई है, ये कहानी डिफरेंशिएशन है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स का। कैसे टेन इनवर्स वाई बाय एक्स का, देखिए टेन इनवर्स वाई बाय एक्स में क्या करना पड़ता है, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाय एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो जब आप y by x का डिफरेंशिएशन करते हो तो ये हो जाएगा x dy minus y dx upon x square, और ये x square जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो x square plus y square नीचे आ जाएगा। तो जो नीचे x square plus y square आया है ये tan inverse जनरेट करता है, tan inverse y by x, ठीक है। तो ये जो राइट साइड की क्वांटिटी है इसको लिख दिया मैंने डिफरेंशियल ऑफ tan inverse y by x। ऐसा लिखते ही अगर मैं बोलूं इंटीग्रेट बोथ साइड्स तो आप बोलेंगे जी ये लीजिए आंसर आ गया। ये तो आप देखो ना लाइनें कितनी लगी हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स तो बड़ी अच्छी वाली चीज है। तो ये इतनी अच्छी वाली चीज है तभी तो अपन इसको करते हैं। दिखते ही एकदम ये एक झटके में तो ऑप्शन टिक कर दिया माइंड ही माइंड में तो। अरे समझ में आ रही है बात? तो अगर आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का स्मार्ट यूज करना सीख जाते हो, आप पकड़ लेते हो कि ये क्वांटिटी किस एग्जैक्ट डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है, इस क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो ये पकड़ना सीख गए तो खेल जो है वो बड़ा सिंपल हो जाता है जी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है, है ना। क्लियर होगी बात? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको हिंट तो मिल गया होगा कि कैसे सोचना है, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, है ना। ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आपके सामने है, सोचिए कि कौन कौन से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसमें बन रहे होंगे, है ना, फिर मैं बताऊंगा। चलो देखते हैं जरा, देखो जरा वाई बाय एक्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अपने को y मिलेगा, ठीक है ना, y dx, है ना, dx, ये ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस y बाय एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा, ठीक है ना, प्लस y बाय एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है, प्लस साइन y डी एक्स हो गया जी, ठीक है, प्लस x डी वाई प्लस ln x dy plus x cos y dy equal to 0, सीन कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो y dx plus x dy को तो मैंने यहाँ पे एक जगह लिख लिया, y dx plus x dy को, तो क्योंकि ये बन जाएगा आपका dxy बन जाएगा, ठीक है, तो इनका सीन क्लियर हो गया जी। चलो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ये देखो sin y dx ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री के साथ देखा तो मेरे को लग रहा है कि x इंटू साइन वाई का डिफरेंशियल है ये, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है। कैसे? x का डिफरेंशिएशन कर दिया dx, साइन वाई कांस्टेंट, x को कांस्टेंट लिख दिया, और साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d साइन वाई, और d साइन वाई होगा cos y dy हो गया, ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म रह गई है, तो इन दोनों को देख के आपको क्या लगता है किसका डिफरेंशियल मिलना चाहिए, है ना। तो ये y ln x का डिफरेंशिएशन है क्या, y ln x का डिफरेंशिएशन है, तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 by x dx हो गया, और ln x constant y का differentiation dy हो गया, ठीक है। तो आप देख लो मैंने exact differentials बना दिए यहाँ पे, है ना। तो this we can write dxy plus dx into sin y plus d
वाई एल एन एक्स इक्वल टू जीरो, और अगर अपन इंटीग्रेट कर दें, अगर अपन इंटीग्रेट कर दें तो ये कहानी हो गई एक्स वाई प्लस एक्स साइन वाई प्लस वाई एल एन एक्स इक्वल टू सी, है ना, इक्वल टू सी। ठीक है, ये भी इंटीग्रेट कर दो तो कांस्टेंट आ जाएगा, वो तो खैर मैनेजेबल है। क्लियर है जी? तो आपको ब्यूटी समझ आ गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं आगे, हम कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं जिनको हम याद करना चाहते हैं। डायरेक्ट याद होंगे तो क्वेश्चन आएगा, सीधा इस्तेमाल में ले लेंगे और खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ सबसे पहला कौन सा डिफरेंशियल याद करना चाहिए? एक तो हमें एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स वाई को तो याद कर ही लेना चाहिए, और बताइए और किसको याद करें? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको याद कर लेते हैं जी, डी वाई बाई एक्स है ये। ठीक है, डी वाई बाई एक्स पहचान में करना आ गया है, तो मेरे को लगता है डी एक्स बाय वाई भी पहचान में करना आ गया होगा आपको। डी एक्स बाय वाई को पहचान में कैसे करेंगे अपन? तो यहाँ पे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये तीन बिल्कुल बेसिक बेसिक है, पहचान करने आ गए अपने को। ठीक है, और बताओ किसकी पहचान करने आ गई आपको, है ना। एक मिनट के लिए देखते हैं जरा, एक एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसकी पहचान करना भी बड़ा सिंपल है, ये भी पहचान करने आ गई। ठीक है जी, और बताओ किसकी पहचान करने आ गई आपको? मेरे को लगता है कि एक मैं ले रहा हूं डिफरेंशियल ऑफ एल एन, एल एन एक्स प्लस वाई लिख रहा हूं मैं। एल एन एक्स प्लस वाई का डिफरेंशियल कितना होगा? वन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स प्लस डी वाई। देखो बिल्कुल सजा हुआ, अगर ऐसा आ जाए तो थॉट नहीं जाता कि ये इसका होगा, लेकिन जाना चाहिए अभी। ठीक है ना, वन अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर इसका डिफरेंशियल हो गया डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, चलो जी, बहुत सिंपल सिंपल हो गए, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि एल एन एक्स इंटू वाई के बारे में क्या विचार है, तो क्या विचार होंगे आपके, है ना। वन अपॉन एक्स वाई इंटू, फिर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है ना, एक्स डी वाई प्लस। ठीक है, तो ये अपोन वाले जो फैक्टर जो ये आ रहे हैं इतने सीधे सीधे से, और इनके करस्पॉन्डिंग ऊपर चीज कुछ लिखी हो ना, इसका डिफरेंशिएशन देखो ऊपर लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन देखो ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, इस बात से एल एन वाले डिफरेंशियल पे थोड़ा चला जाता है ना। ये अपने को समझ में आ गई बात। ठीक है, तो अच्छा ये बात, ये भी अपने को हो गया क्लियर। अब मेरे को बताओ कि अगर एल एन वाई बाय एक्स का सीन लिखा है तो क्या आएगा? देखो वन बाय वाई बाय एक्स पलटेंगे तो एक्स इंटू वाई, सॉरी एक्स बाय वाई इंटू एक्स बाय वाई इंटू ये चीज, है ना। तो इस चीज को जब आप एक्स बाय वाई से मल्टीप्लाई करो तो कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में एक्स वाई नहीं आ जाएगा। मैं कह रहा हूं डिनोमिनेटर में एक्स वाई आ जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये लो। ठीक है, और बिल्कुल इसी तर्ज पे अगर मैं आपसे कह दूं कि डी एल एन एक्स बाय वाई क्या होगा, तो आप बोलेंगे डिनोमिनेटर तो एक्स वाई ही रहेगा, न्यूमरेटर में वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई आ जाएगा। ठीक है, एल एन वाले डिफरेंशियल्स, ये वाले सिंपल डिफरेंशियल्स तो एकदम क्लियर हैं। अभी मेरे को ये बताओ कि दो और देखते हैं, इधर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि डिफरेंशियल टैन इनवर्स वाई बाय एक्स का कितना है, तो अभी अपन ने यूज भी किया था एक प्रॉब्लम के अंदर, कितना हो गया जी, नीचे तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर कितना हो गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स हो गया। ठीक है ना, आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताओ कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिखूं, किसका डिफरेंशियल है ये, इसके करस्पॉन्डिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होगा?
फील जानी चाहिए, इसी के डिफरेंशिएशन ऊपर लिखें तो एलन का कुछ खेल रहा होगा, और एलन का जो खेल है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ रहा होगा। मगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आप करोगे ना एलन के अंदर, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इंटू इसका डिफरेंशियल करोगे तो टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डीवाई आ गया, टू एक्स्ट्रा आ रहा है, उस टू को नीचे लाओ तो वन बाई टू हो गया, और उस वन बाई टू को यहां रखोगे तो ये रूट में आ गया, ये कह रहा हूं मैं। सहमत हो तो बता दो भाई बात से, ठीक है, क्लियर हो गई बात, चलो है ना भाई। अगर ये 10 याद कर लेता है कोई, दैट इज मोर 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 देन सफिशियंट। फिर भी मैं तीन और लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही मजे मजे में याद रह जाए, देख पाओ तो बहुत ही बढ़िया है। मैं कहना चाहता हूं कि e की पावर x बाय वाई का डिफरेंशियल बताओ क्या होगा, e की पावर x बाय वाई का, डिनोमिनेटर में तो वाई स्क्वायर आ गया होगा जी, है ना। अच्छा, इसके साथ मैं ये भी पूछूंगा आपसे, e की पावर x बाय वाई और फिर e की पावर y बाय एक्स, है ना, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया होगा, एक्स स्क्वायर आ गया होगा, ठीक है, तो ये क्या रहा होगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर x dx इंटू y माइनस e की पावर x कांस्टेंट dy, ठीक है, और इस केस में क्या हो गया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर y dy, नीचे वाला डिनोमिनेटर कांस्टेंट माइनस e की पावर y कांस्टेंट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमने 10 पढ़े हैं इनके अलावा भी ऐसा कुछ देखने को मिले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि यार ये तो क्वेश्चन रूल लगा रखा है या फिर प्रोडक्ट रूल लगा रखा है ना, वो तो एकदम अपन इंटरप्रेट कर ही सकते हैं, ठीक है। एक मेरे को और बता दो कि अगर मैं माइनस वन बाय एक्स वाई का डिफरेंशियल लिखना चाहूं तो कितना होगा, इसका डिफरेंशियल कितना होगा, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा भाई, माइनस इंटू वन बाय समथिंग का क्या होता है, माइनस वन अपॉन समथिंग स्क्वायर इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, इंटू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ ही चुका है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल्स हैं, हमने 13 डिफरेंशियल्स लिखे हैं, इन 13 डिफरेंशियल्स के बाहर तो मतलब स्कोप ही नहीं आने के, और 10 के बाहर भी आज तक कुछ आया नहीं है, 10 के अंदर भी कोई सवाल ऐसा नहीं है जो जेई सिलेबस का हो और सोल्व ना हो, अगर हो रहा है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल से, ठीक है ना। तो ये यार एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं, अगर आप इनको याद कर लेंगे तो ये कहानी हो जाएगी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, इनको याद कर लें तो मोर देन सफिशिएंट कहानी हो जाएगी, ठीक है, मतलब इससे बाहर तो सपने में भी नहीं सोच सकते आपके सवाल आएगा।